project management techniques there are two popular techniques which are used in project management uh, these are one is critical path method and the other one is a uh, program evaluation and review technique uh, it is program evaluation and review technique and cpm critical path method both of these techniques were uh, developed नाइनटीन फिफ्टीज उसकी डिटेल हम आ, आगे चल के करेंगे आ, जो फ्रेमवर्क है इसका इन टेक्निक्स का दोनों टेक्निक्स का बेसिकली इट इज के पहले तो प्रोजेक्ट डिफाइन करना है उसका वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर जिसको डब्ल्यू बी एस पी कहते हैं यूज़ करते हैं वो हमने डेवलप करना है उसके बाद हमने देखना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ किस किस्म का उसका रिलेशन है प्रेसिडेंस प्रसीड करती है कि उसको एक्टिविटी फॉलो कर रही है या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपस में लिंक नहीं होती तो वो दोनों साइमल्टेनियसली परफॉर्म की जा सकती हैं किसी भी सीक्वेंस में की जा सकती हैं क्योंकि उनका आपस में कोई लिंक नहीं है हाँ अगर लिंक होगा तो फिर उसके अंदर प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट जो है वो हमें मीट करनी पड़ेगी सो so, कौन सी एक्टिविटीज़ प्रसिड करेगी कौन सी एक्टिविटीज़ फॉलो करेगी और फिर उसके बेस के ऊपर हमने नेटवर्क जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस नेटवर्क और प्रेसिडेंस डायग्राम वो हमने ड्रॉ करना होता है ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़ क्योंकि प्रेसिडेंस डायग्राम जो है वो हमें क्लियरली शो करता है ऑल दो हम लिख भी सकते हैं लेकिन उसके अंदर हमें क्लियर पिक्चर नहीं आती Uh, उसका टेबल भी बन सकता है कि कौन सी एक्टिविटीज हैं उससे पहले कौन सी परफॉर्म होंगी तो ये शुरू होंगी वो भी बन सकता है लेकिन अगेन जो आपको क्लैरिटी uh, ये प्रेसिडेंस डायग्राम देता है वो ये टेबल uh, नहीं दे सकता तो वो हमने बनाना होता है और उसके अंदर फिर टाइम और कॉस्ट एस्टिमेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअली कितना टाइम लगेगा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के अंदर उस लॉन्गेस्ट पाथ फिर हम कैलकुलेट करेंगे जिसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ इस क्रिटिकल पाथ में फॉल कर रही हैं और अगर हमने प्रोजेक्ट को आ, जल्दी कंप्लीट करना है तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके ऊपर हम अपने रिसोर्सेज और लगा दें आ, ओनली दो एक्टिविटीज जो कि क्रिटिकल पाथ के ऊपर फॉल कर रही हैं सिर्फ उनके अंदर एक्स्ट्रा रिसोर्स लगाने का फायदा होगा क्योंकि वो आपका उस पर रिसोर्स लगाकर वो एक्टिविटीज का टाइम कम किया जाएगा तो पूरा क्रिटिकल पाथ का टाइम कम होगा और क्रिटिकल पाथ इज द वन जो कि डिटर्मिन करता है कि प्रोजेक्ट का टाइम कितना लगेगा तो अगर क्रिटिकल पाथ पर एक्टिविटी नहीं है और उसके ऊपर आप टाइम लगा देंगे रिसोर्स uh, लगा देंगे टाइम रिड्यूस करने के लिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा प्रोजेक्ट का टाइम रिड्यूस नहीं होगा uh, तो इसके अंदर uh, यही नेटवर्क डिज़ाइन के बेस पर पे प्लान शेड्यूल मॉनिटर और कंट्रोल प्रोजेक्ट का हम करते हैं क्योंकि ये हमारे सामने होता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ का uh, क्या रिलेशनशिप है और उसको किस तरह हमने मॉनिटर uh, करना है पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है फिर कौन सी हो रही है एंड सो ऑन और उस बेसिस के ऊपर ये जो नेटवर्क uh, डिज़ाइन uh, uh, है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है